समाज को वो अवेयर करती है। तो ये जो हमारी सरकार है, तानाशाह सरकार है, मोदी की सरकार है, इनको ये लेखनी मंजूर नहीं है। अगर जो भी उनके खिलाफ बोलता है तो उनको भड़काऊ लगता है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। पहले बता देते हैं, देखिए यहाँ पर हम उपस्थित हैं बिहार की राजधानी पटना में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ भाजपा माले के समर्थक धरना दे रहे हैं। आपको पहले पोस्टर के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि अरुंधति राय और डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया था उसे वापस लिया जाए, उस संदर्भ में यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। आपको बता देते हैं कि शेख शौकत हुसैन और अरुंधति रॉय वही थी जिन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। आपको याद होगा उसी विषय पर यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। आपसे पहले बात करेंगे कि धरना देने का मुख्य कारण क्या। अरुंधति राय पे जो काला कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि वो विश्व स्तरीय लेखिका है, वो हर सवालों पे बेबाक तरीके से बोलती हैं और लिखती हैं, समाज को वो अवेयर करती हैं। तो ये जो हमारी सरकार है, तानाशाह सरकार है, मोदी की सरकार है, इनको ये लेखनी मंजूर नहीं है। कोई भी बुद्धिजीवी अगर इनके खिलाफ कोई बोलता है तो इनके ऊपर ये देशद्रोह का मुकदमा यूएपीए लागू करके। उन्होंने तो साफ कहा था कि भड़काऊ भाषण दे रहे हैं इसलिए हम, तो अगर जो भी उनके खिलाफ बोलता है तो उनको भड़काऊ लगता है, जबकि वो लगातार वो विश्व फेम की लेखिका है, तो उनके खिलाफ कोई भी बोलने वाला आदमी भड़काऊ नजर आता है। तो इसके लिए बोलना बंद नहीं कर दिया जाएगा, वो जितना भी कानून ला दें, जितने भी काले कानून लगाएं, कि जितने भी लोगों को वो जेल के अंदर बंद करें, लोग बोलेंगे, लड़ेंगे, लिखेंगे। इसीलिए आज पूरा देश सड़कों पे है इनके पक्ष में। अच्छा, बात करेंगे शेख शौकत हुसैन की और अरुंधति रॉय की। इन पर इल्जाम लगाया गया था कि ये भड़काऊ भाषण देते हैं और भारत को और कश्मीर को अलग बताते हैं, इस वजह से इन पर मुकदमा भी हुआ था। ये मैं ये कह रहा हूँ, यूएपीए जो कानून है ना, ये बिल्कुल जन विरोधी है, जनता विरोधी है। और ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये चुप रहना शब्दहीन पाप है, चुप रहना शब्दहीन पाप है, गर्जो गरजने का वक्त यही है। अरे डर गया मोदी तानाशाह और मोदी शाह दोनों डर गया। और ये डर करके जब 14 में से आए थे तो 4 लोगों की हत्या इन्होंने करवाया, गौरी लंकेश, प्रोफेसर एमएम कलमुर्गी और कॉमरेड गोविंद पंसारे। और अभी ये जो घटना है कि दुनिया का सबसे प्रख्यात लेखिका, सब कोई जानता है उनके बारे में, पढ़ने लिखने वाले लोग, कि ये अरुंधति राय के बारे में उन्होंने मेगा पुरस्कार को लौटाने वाली है ये महिला, जनता के हित में लड़ने वाली है ये। और ऐसे लोगों को ये टेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो तानाशाही रवैया है वो बर्दाश्त करेंगे कि लोग नहीं। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि इस तानाशाही के खिलाफ में CPIML ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन के लोग आज सड़क पर उतर रहे हैं। और इसके खिलाफ में जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके लिए हम हमेशा लड़ेंगे, चाहे कोई भी सरकार हो, हम उसके खिलाफ सड़कों पर जनता के पक्ष में, जनता की मुक्ति की लड़ाई में हम लगातार लड़ेंगे। और ये कानून को ये वापस लेना होगा, ये तो काले कानून है, इसे खत्म करना होगा। और इसीलिए चूंकि हम लोग कलम के पक्ष धर, और मैं कहूंगा, अरे कलम की रोशनी से गुलशन तहजीब खिलता है, कलम की रोशनी से गुलशन तहजीब खिलता है, कलम से जुल्म के तलवे सहलाए नहीं जाते। इन्हें अब मालूम होना चाहिए कि ये भारत में कलम के सिपाही प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद से लेकर के और राहुल संकृत्या से निराला होते हुए तमाम लोग, आज नागाई अर्जुन, डॉक्टर महेश्वर, गोरख पांडे, ये तमाम लोग हैं जो हम लोगों को पैदा किया है कि लड़ो, हमेशा लड़ो, क्योंकि तानाशाह डरपोक होता है और वो डर रहा है और उसका अंत उसको दिखाई दे रहा है कि सरकार बनने के बावजूद भी ये अपने काले कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसलिए यानी कि आप ये भी कहना चाहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी और भाजपा के विरुद्ध बोलता है उस पर वो तानाशाह और राष्ट्रवाद नहीं करना चाहते, ये अपने विरोध का जो स्वर है उसको दबा देना चाहता है एयर कैन पर कारण। लेकिन हम कह देना चाहते हैं कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है और जो लड़ने वाले लोग हैं वो कभी दबने नहीं वाले हैं। मैं कह रहा हूँ कि अरे दबने वाले नहीं हम, दमन से तेरे अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे हम। इस बात को तुम नोट कर लो, हम जन जन की बात करते हैं और जन जन की पीड़ा से अपने दिल के दुखड़े जोड़ो,
इंसानों की गत को बांधे पड़े जो साकल तोड़ो, रहे नहीं जालिम की हुकूमत। इस मोदी और शाह जालिम को कह दो, रहे नहीं जालिम की हुकूमत, बचे नहीं बटमार, जरा सा जोर लगाओ। हमने ये जोर लगा रखा है पूरे भारत में, ये विरोध दिवस जो चल रहा है ये पूरे भारत में, चुकी है मुल्क बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, शहीद आजम भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान शहीद है जिसे लोगों का है। इसलिए आए तानाशाह, तुम अपनी हरकत से बाज आओ, भारत की जनता तुझे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। धन्यवाद। देख सकते हैं यहाँ पर सीपीआईएमएल के जो समर्थक है वो लगातार धरना दे रहे हैं। कारण ये है कि आपको पता होगा अरुण रॉय और शेख शौकत हुसैन ने 2010 में शेख शौकत हुसैन और अरुंधति रॉय की जो बयान थे, जो भड़काऊ बयान थे, उसको लेकर उन पर मामला दर्ज किया गया था। उसी संदर्भ में यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। साफ तौर पर आपको बता देते हैं कि मामला क्या था। अरुंधति रॉय जो कि लेखक हैं और साथ ही शेख शौकत हुसैन, दोनों ने भाषण दिया था जो भड़काऊ भाषण के तौर पे सामने निकाला गया कि कश्मीर और भारत दोनों अलग अलग हैं और कश्मीर को उनका अपना हिस्सा मिलना चाहिए। इसी संदर्भ में यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। अगर आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि सीपीआईएम के जो समर्थक है वो अभी भी धरना दे रहे हैं। साफ तौर पर उनका यही कहना है कि अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन को इंसाफ मिलना चाहिए क्योंकि उनकी कोई भी गलती नहीं थी। तो ऐतिहासिक रिपोर्ट, बाकी और तमाम खबरों का बने रहिए 24। मैं नरेंद्र प्रसाद के साथ, धन्यवाद।